Hi guys, hello everyone. Hello everyone, a very good morning. Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. जल्दी से एक बार मुझे बता देंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लेक्चर इज लाइव, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए अगर आपके एंड पे शुरू नहीं हुआ है तो. एंड मुझे एक बार फटाफट से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो वीडियो क्लियर है. आई गेस क्लियर है. हाँ जी, आज तो मैं लेट हो गई, ये बात तो है. मतलब आज पता नहीं कैसे समय पता ही नहीं चला, एंड जब मैं आई तो OBS में थोड़ा सा इशू आ रहा था कि सब कुछ चल रहा था, बस फोटो नहीं दिख रही थी कैमरे वाली, मतलब फोटो ही नहीं दिख रही थी, तो इस वजह से उसको फिक्स करते करते थोड़ा सा लेट हो गई. मतलब OBS जो हमारा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था जी. मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है, और मैं बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको टेलीग्राम पे एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए. यस, टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर दिया सबको कि क्लास शुरू हो चुकी, सब लोग जुड़ जाइए. आइए चलिए शुरुआत करते हैं. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हम लोग जैसे कि जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम लोग SSC MTS 2023 जो कि आपका पेपर है, जो कि शुरू होने वाला है हम लोगों का बहुत जल्द, उसकी तैयारी कर रहे हैं. बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4-5 क्लासेस से इस एग्जामिनेशन के लिए जो हम लोग के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है कि हाँ 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, उन टॉपिक्स को हम रिवाइज कर रहे हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट रिविजन कर रहे हैं, और ये रिविजन हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज. तो आज के हमारे रिविजन के लिए जो टॉपिक हमने लिया है उसका नाम है नंबर एनालॉजी. नंबर एनालॉजी की आपकी क्लास है आज की. और एनालॉजी और नंबर एनालॉजी और ये सब क्या होता है, आइए बता देते हैं आपको. एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है. एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, और एक आपको पेयर दे रखा होता है, ठीक है. एक पेयर दिया है, सपोज एज टू बी, और आपसे बोला है सिमिलर पेयर कौन सा होगा. कैसे पता चलेगा? लॉजिक ढूंढोगे, वही लॉजिक ढूंढोगे अपने आंसर में, वही लॉजिक आपको आंसर में ढूंढना है. तो आपको सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. सिमिलैरिटी या फिर जो हम लोग के एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन उसका सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखते हो एनालॉजी के, अगर मैं आपके एग्जामिनेशन की बात करूँ, आपके एग्जाम में एनालॉजी के हमने जितनी भी शिफ्ट्स PYQs की देखी थी, शुरू की शिफ्ट्स में 2 क्वेश्चन और लास्ट की कुछ शिफ्ट्स में 3-3 सवाल तक एनालॉजी के दिए हैं, नंबर एनालॉजी के. मैं लेटर की तो बात ही नहीं कर रही, नंबर एनालॉजी की बात है. लेटर एनालॉजी के भी आपके 1-2 सवाल दे देता है, लेकिन वो आसान होता है, वो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें हम लोग को प्लेस वैल्यूज के थ्रू करना होता है, दैट्स इट. 1-2 सवाल आपके लेटर एनालॉजी के भी देखने को मिल जाते हैं. तो हम आज देखेंगे नंबर एनालॉजी. आप सब लोग जानते हैं, समझ गए नंबर एनालॉजी क्या होता है. बेसिकली एडमिट कार्ड कब तक आएगा? एडमिट कार्ड एग्जाम से 1 हफ्ते पहले से ज़्यादा पहले नहीं आता है, ठीक है. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. बताइए, सब समझ गए एनालॉजी का टॉपिक क्या होता है, कैसा होता है? अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करें उस पर. बताइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करें, जल्दी से एक बार बता दीजिए. रेडी हैं सबके सब? सब लोग रेडी हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कभी कभी तो बहुत सीधे साधे आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत टेढ़े आते हैं, कभी कभी बहुत टेढ़े क्वेश्चंस आते हैं. और जो रेडी नहीं भी हैं वो भी रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे सीधे के साथ साथ टेढ़े क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, ठीक है. सिंघम मिश्रा, आप ये अर्थ की फोटो क्यों बना के भेज रहे हैं? अर्थ नहीं, जुपिटर लग रहा है मुझे तो. रेडी, आर यू गाइज रेडी?
यस 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 ओके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए रेडी हैं सबके सब, रेडी, एवरीबॉडी इज रेडी. लेट्स कमेंट सेक्शन एंड लेट्स स्टार्ट. तो हम शुरू कर रहे हैं. अच्छा, दो एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मैं कराने वाली हूँ यहाँ पे, इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा. टेलीग्राम चैनल का नाम है स्वप्ने ले जी यार. इस पर कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा मेरा, ठीक है. तो आप इससे मेरा इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. अब आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को. यहाँ जो भी क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ वो आपके या तो सीएचएसएल या तो सीजीएल या तो एमटीएस के पूछे गए सवाल हैं. अब मैं सीएचएसएल और एमटीएस का लेवल बता दूं, आप लोग को ऑलमोस्ट सेम होता है और हम हमेशा चाहते हैं कि एक लेवल अप आप प्रैक्टिस करो, तो इसलिए मैं आप लोग को सीजीएल के भी क्वेश्चंस यहां पे कराऊंगी, ठीक है. क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत मजा आएगा आपको इन सवालों में. तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा. चलिए आइए शुरू करते हैं इन सवालों के साथ. लेट्स बिगिन. हाँ जी, दो में से कैलेंडर में दिया है, एसएससी कैलेंडर जो आया है उसमें से दो में से दिया है कि स्टार्ट होगा आपका. सेकेंड ऑफ मई से स्टार्ट होगा. चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को. 223, 315. अब देखो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, हमेशा नंबर एनालॉजी में आपको मैं एक बार नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का या फिर उनको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ. ये ट्रिक अगर आपने अपने दिमाग में रखी है तो आप हमेशा क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच करेंगे, सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, जब आपका अप्रोच करने का तरीका सही होगा तो आपका आंसर भी सही आएगा, ठीक है. देखिए हम जानते हैं कि जब भी हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना होता है, हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाने के लिए या तो हम ऐड करते हैं, या तो मल्टीप्लाई, या तो स्क्वायर, या तो क्यूब. ये चार चीजें करते हैं. वहीं अगर हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर जाना होता है तब हम या तो माइनस करते हैं, या तो डिवाइड, या तो स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट क्यूब रूट देख के समझ में आ जाता है कि भाई स्क्वायर क्यूब के पास है कि नहीं, या तो हम डिजिटल सम करते हैं. एक और चीज समझना, जब कभी भी हमारा नंबर बहुत बड़ा होगा, ठीक है, मतलब हमारे बड़े नंबर्स होंगे, डिजिट जब हमारे बड़े होंगे तो लॉजिक हमारे बहुत छोटे लगेंगे, ठीक है. डिजिट अगर बड़ा होगा तो लॉजिक हमेशा छोटा होगा. याद रखना एक कहावत, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है. याद रखना हमेशा एक कहावत कि जब आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है तो लॉजिक आपका बहुत छोटा होगा. अब छोटे लॉजिक्स में आपके सिर्फ दो लॉजिक्स आते हैं, बढ़ रहा होगा तो प्लस, घट रहा होगा तो माइनस. या तो प्लस माइनस का लॉजिक लगेगा या तो दूसरा लॉजिक लगेगा डिजिटल सम, ठीक. ये दो लॉजिक्स आपके लगेंगे, ठीक है. साथ ही में एक चीज और समझना, जब कभी भी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हमारी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, जोड़ना घटाना गुणा भाग से आंसर आएंगे, या तो हमारे स्क्वायर क्यूब से आंसर आएंगे, या तो हमारे डिजिटल ऑपरेशंस जिसमें कि हमारा डिजिटल सम भी हो सकता है और डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है. तो हम लोग कैसे बताएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो इससे आंसर आता है ए, डिजिटल सम से आंसर आया बी. अब आप कहोगे मैम हमारा तो 80% बच्चे कहेंगे कि मैम हम तो कह रहे हैं ए आ रहा है, 20% कहेंगे मैम हम तो कह रहे हैं बी आ रहा है, और दोनों आप लॉजिक्स भी प्रूव कर दोगे. लेकिन उसके बाद भी हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे इसको, हमेशा. ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप आंसर बहुत गलत करते हो लेकिन फिर बाद में जब इन्हें पता होता है आपको तब आपका आंसर गलत नहीं होता है. तो सबसे पहले हम अगर करते हैं, सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ चेक करेंगे तो बढ़ रहा होगा तो ये, घट रहा होगा तो ये, वो नहीं समझ में आएगा तो ये चेक करेंगे, ये नहीं समझ में आएगा तो डिजिटल ऑपरेशंस चेक करेंगे, ठीक है. अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं तो कुछ नहीं चेक करेंगे, सिर्फ जोड़ना और घटाना, नहीं आया तो डिजिटल ऑपरेशन, तब स्क्वायर क्यूब वाला हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, ठीक है. ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है. आपको सबसे पहले चेक करना है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे आंसर ए आ रहा है, इससे बी आ रहा है, तो हमेशा हम इसको प्रायोरिटी देंगे. मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले लॉजिक को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, सबसे पहले, ठीक. अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के संग. ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जो कि लोगों को पता नहीं होती है, और अगर पता भी होती है तो वो अप्लाई करना भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, है ना. पता भी होती है तो एग्जाम में अप्लाई करना भूल जाते हैं, ठीक है. चलिए अब शुरू करेंगे अपने इस क्वेश्चन के साथ.
आप इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिएगा, आप इस क्वेश्चन को देखिए, 15 सेकंड का सवाल है और आंसर करिएगा। कम ऑन, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम्स अप। चलो 223 एंड 350, ठीक है, 223 एंड 350। मैंने आपसे क्या कहा, नंबर्स जब बड़े होंगे तो आप एडिशन का लॉजिक लगाएंगे, तब लॉजिक हमारे छोटे होंगे, या तो प्लस माइनस या तो डिजिटल सम। अगर हम प्लस माइनस का लॉजिक लगाते हैं तो हमने यहाँ पे कितना जोड़ा है, 127। अगर हम यहाँ पे 127 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 646। ऑप्शन है नहीं हमारे पास, हमारे पास ऑप्शन था 645 था, 654 था, 736 था, लेकिन हमारे पास 646 का ऑप्शन नहीं था, नहीं था ऑप्शन। तो मैंने क्या कहा, क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस से लॉजिक आ गया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ डिजिटल सम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, सिर्फ डिजिटल सम। डिजिटल सम आइए देखते हैं क्या हो रहा है, 3, 2, 5 और 2, 7, 5, 3, 8 और 0 मिलके हो गए 8। यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ हो गया 8, मतलब जो आंसर है उसका डिजिटल सम एक ज़्यादा आया है, ठीक है, 9, 1, 10 और 5 मिलके हो गया 15। अब इसमें एक ज़्यादा यानी कि 16 आएगा डिजिटल सम आपका, 16 डिजिटल सम आना चाहिए, 6, 4, 10 और 5, 15 नहीं, 7, 3, 10 और 6, 16 बिल्कुल आ रहा है डिजिटल सम 16। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब, बताइए ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, राज तिलक आपको भी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, बहुत लेट आए हैं आप क्लास में, ये आप क्योंकि आपने आने से पहले, मतलब मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही थी शुरू में, तो वो आपसे मिस हुई है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, ध्यान से सवाल को देखेंगे और जवाब देंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे। 52, 91 तो 72 बराबर क्या, बताइए, अगर 52, 91 तो 72 बराबर क्या, बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए देखें यहां पे क्वेश्चन में क्या था, 52 और 91, 52 और 91 देख के थोड़े जाने पहचाने नंबर्स नहीं लग रहे, थोड़े जाने पहचाने संख्या। अब जानी पहचानी संख्या भी उन्हीं लोगों को लगेगी जिनको पहाड़ा रटा होगा, यानी कि जिनको टेबल्स आते होंगे, है ना, जिनको टेबल्स आते होंगे सिर्फ उनको ही ये संख्या जानी पहचानी लगेगी। भाई अगर आपको 13 का पहाड़ा आता है तो आप जानते हो 13 चौके और ये 13 सत्ते, यानी कि 13 फोर 13 सेवन, ठीक है, तो 13 के ही मल्टीपल्स हैं, 13 का फोर्थ मल्टीपल, 13 का सेवन्थ मल्टीपल। 72 किसका 4 गुना होता है, 72 किसका 4 गुना होता है बेटा, 72 होता है 18 का 4 गुना, नहीं पहाड़ा रटा है, मान लो नहीं पहाड़ा रटा है, 18 का पहाड़ा नहीं आता तो उसको 4 से भाग दे के देख लो, 18 आ रहा है, ठीक, तो ये आपका 18 का 4 गुना होता है, तो अब 18 का 4 गुना देख लिया तो आगे 18 का 7 गुना होगा ना, 18 का 7 गुना कितना होता है, मान लो नहीं पहाड़ा रटा है, 7, 8, 56, यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर बी 126 हमने मार्क कर दिया, ठीक है, हर चीज का जुगाड़ है। देखो यार हम लोग भारतीय हैं, भारतीय यानी कि वी आर इंडियंस, और हमारे पास हर चीज का जुगाड़ होता है। जैसे अगर कोई फॉरेन कंट्री वाला कोई चीज करता है और कोई वीडियो बनाता है तो उसको क्या बोलता है, लाइफ हैक्स यू डिडंट नो, इंग्लिश में जिसे हम हैक्स बोलते हैं वहीं हम इंडिया में उसको जुगाड़ बोलते हैं। तो हर चीज का जुगाड़ है, ठीक है, पहाड़ा आता है मतलब टेबल आती है तो भी जुगाड़ है, नहीं आती है तो उसका भी जुगाड़ बता दिया। अगर क्वेश्चन करना सॉल्व करना आता है तो कर लो, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपको कई टॉपिक्स का हम जुगाड़ बता देंगे, ठीक है, तो जुगाड़ आना चाहिए आपको, ठीक है, जुगाड़ आना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। गलत हो गया पीहू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, जुगाड़ आना चाहिए, ठीक है, मानते हैं सब ये बात ना, सब ये बात मानते हैं ना, हम इंडियंस हैं, हम बहुत जुगाड़ी होते हैं, आना चाहिए जुगाड़ सबको, सबको जुगाड़ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्या किया सबने यहाँ पे, सबका जो गलत हुआ है क्या किया है, एडिशन कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्या कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं, कोई बात नहीं गलत हो गया तो,
अब ये सवाल तो गलत नहीं होगा, अब ये सवाल तो गलत नहीं होगा ना, ध्यान से क्वेश्चन को देख के आंसर करना है ना। तीन से सत्रह, नौ से सैतालीस, तीन से सत्रह कैसे? तीन का पांच गुना होता है पंद्रह और दो जोड़ दिया सत्रह, ठीक। नौ का पांच गुना होता है पैतालीस और दो जोड़ दिया सैतालीस। तो बेटा छह का पांच गुना कर दो कितना, तीस, और उसमें दो जोड़ दो बत्तीस। बत्तीस बोले तो ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर सी 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी 32 हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब, ठीक है। सी 32 इज द करेक्ट आंसर, 32 हो जाएगा सही जवाब। यस, इसका आंसर सब लोग को देना। और मैं एक चीज देख रही हूँ यार, मैं एक चीज देख रही हूँ, आप लोग आंसर बहुत धीरे कर रहे हो। हाँ, माना मैंने कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ लोग का गलत हुआ तो शायद वो डीमोटिवेट भी हो गए होंगे, लेकिन आंसर करने की स्पीड थोड़ी तेज रखोगे तो क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे, ठीक है। और रिवीजन के टाइम पे एक एक चीज़ समझानी नहीं होती है, ठीक है। 32 इज द करेक्ट आंसर, यस। 32 होगा सवाल का सही जवाब। आप लोग आंसर बहुत धीरे कर रहे हो, बहुत धीरे आंसर कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करके सबसे पहली चीज तुरंत के तुरंत 200 प्लस लेके जाइए। और आइए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था। आपने देखा 68 से 321, आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले आएगा कि नंबर छोटे से बड़ा हो रहा है तो या तो ऐड या तो मल्टीप्लाई होगा। मैंने हमेशा कहा है कि बेटा अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस लगाओ, नहीं तो मल्टीप्लाई लगाओ। आप कहोगे मैम ये तो 6 से पहुंच गया 300 समथिंग तक, मतलब ये तो 68 से पहुंच गया 300 समथिंग तक, तो मल्टीप्लाई कर ले। अगर अगर दिमाग में आता है मल्टीप्लाई, तो एक चीज देखना कि इसको इसका दुगना भी नहीं है कोई नंबर। अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो ऑप्शंस भी तो देखो ना, ऑप्शंस भी देखो। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो चलो मैंने बोला चलो 4 से सपोज मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसके करीब आ पाओगे, तो यहां तो बेटा दुगना भी नहीं है, तो आंसर भी तो देखो ना, तो मल्टीप्लाई नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई नहीं लग रहा होगा, यहां हम एडिशन कर रहे होंगे। अब एडिशन कर रहे होंगे, कितना ऐड कर रहे हैं ये देख लेते हैं आके। 11 में से 8 गए 3 और 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पे बचे 253। हमने 253 जोड़ा, हमारा आंसर आ गया। अब 525 में भी आप 253 जोड़ लो, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 7, 778। ऑप्शन नंबर डी 778 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 778 हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब, ठीक है। मल्टीपल नहीं होगा, यस, मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। ओवरऑल स्कोर 298 है सीजीएल में, जो कंप्यूटर में 10 नंबर हैं वो मेरा नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। देखो बेटा, आपको क्वालिफाई करना था कंप्यूटर आपके, चाहे मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 300 प्लस नंबर है, मतलब 318 करीब नंबर है, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होगा सीजीएल में। तो क्वालिफाई, अगर कुछ क्वालिफाइंग होता है तो उसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए उसको, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपका ओवरऑल स्कोर कितना भी अच्छा हो। अगर कट ऑफ है ना, अगर कट ऑफ 290 है और आपका स्कोर 330 भी है, मतलब कट ऑफ से 40 नंबर ज़्यादा, लेकिन फिर भी कंप्यूटर नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो सिलेक्शन नहीं होगा। दैट इज़ वाई अगर कोई चीज़ क्वालिफाइंग है तो भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देख के आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, और आप बहुत इजीली आंसर कर लेंगे इसको, और मुझे पूरा भरोसा है कि एक एक स्टूडेंट इस सवाल का जवाब एकदम सही देगा। चलो शाबाश बेटा, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए, बताइए क्या होगा यहाँ पे, क्या हो सकता है यहाँ पे सही जवाब। 27 से 256, अब मैंने क्या कहा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई भी यहाँ पे गलत जवाब नहीं देगा। क्यों कहा मैंने ये चीज़, इसीलिए कहा क्योंकि आपको क्लियरली क्वेश्चन में देख के समझ आ जाना चाहिए
कि 576, अरे ये तो वही नंबर है जो हमारा 23 के बाद और 25 से पहले आता है, और ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम जानते हैं 576, जैसे मैंने देखा 576 तो मेरे दिमाग में तुरंत आया मेरे दिमाग में कि यार ये तो 24 का स्क्वायर है, ये हमारा 24 का स्क्वायर है। अब 27 से 24 तक कैसे आए यार, ये तो बताना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं ना, 3 घटा दिया 24 आ गए, 24 का स्क्वायर कर दिया। यही सेम फॉर्मूला यहाँ अपना लो, पहले 3 घटा लो, 16 आ गए, 16 का स्क्वायर, 16 का वर्ग 256, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके सवाल का सही जवाब, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हो गया ना, ठीक है हो गया ना, चलिए वेरी गुड, सबको हो गया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो जैसे मैंने 24 का स्क्वायर पूछा, 24 का स्क्वायर पूछा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना सबके सब बताओ कि आप लोगों को कितने तक के स्क्वायर आते हैं, कहाँ तक के स्क्वायर रटे हैं, कहाँ तक के स्क्वायर आते हैं बताओ, क्यूब नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ स्क्वायर पूछ रही हूँ, बताओ कहाँ तक के। जैसे मैंने कहा 1 से लेके 30 तक के रट लो, 1 से लेके 30 तक के रट लो, 30 के बाद आप सारे ट्रिक से निकाल सकते, 30 से लेके 100 तक, एक्चुअली कितने तक भी आप ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है 1 से 30 तक, लेकिन रटना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ट्रिक्स नहीं लगती हैं। उसके बाद 3200 चाहे 3500 चाहे 4000 सब आप 50 के बेस वाली ट्रिक से निकाल सकते हो, 100 के करीब 80-90 हो तो आप 80-80 या 90s में हो तो आप 100 की ट्रिक वाले से निकाल सकते हो, तो बहुत आसान होता है फिर निकालना। 35 तक आते हैं, 50 तक आते हैं, 20 तक आते हैं, 20 ममता बेटा 30 तक रट लो, 30 तक रट लो बेटा, ठीक है 90 तक, 1 से 3 तक मोहम्मद मुस्तकिन, सिर्फ 1 से 3 तक, मतलब 1, 4 और 9 आता है। 25 तक के स्क्वायर आते हैं फरमान, फरमान बेटा 30 तक के रट लो, 30 तक तो सबको रटना है, 20 तक जोया, 20 नहीं बचे, बशरत भट्ट नहीं बचे, 20 नहीं, 30 तक रटो, 30 तक रटने से काम चलेगा, 30 से कम होंगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे इसका भी, मुझे पूरी उम्मीद है सब लोग सही जवाब दे देंगे, सब लोग सही जवाब देंगे इसका, मुझे ये पूरी उम्मीद है इस चीज की। आइए देखिए यहां पे, लेट्स सी 7 से 56 कैसे जाते हैं, सिंपल सी बात है, 7 का पहाड़ा आता है, 7, 8 जा 56, कहो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया 88 तो आंसर ही नहीं है, तो क्योंकि हमने 8 से मल्टीप्लाई, 7 के बाद आता है 8, 11 के बाद आता है 12 और 11 × 12 कर लिया 132, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर डी 132 हो गया आपके सवाल का सही जवाब, ठीक है 132 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे बताइए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब यहां पे। सोलह का स्क्वायर हम जानते हैं 256 होता है, 263 कितना दूर है, 7, मतलब हमने 16 का स्क्वायर करके उसमें 7 जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। यहां भी ये चीज हमें पहले चेक करनी पड़ेगी, अगर दो ऑप्शन दिए हैं ना तो दोनों में चेक करो, ये नहीं कि सिर्फ एक में चेक करके लॉजिक अप्लाई कर दिया, दोनों में चेक करिए। 22 का स्क्वायर 484, उसमें 7 जोड़ दिया, हाँ गया 491, तो अब हम ओके सिरी 18 के स्क्वायर में हमें 7 जोड़ना था, 18 का स्क्वायर कितना 326, उसमें 7 जोड़ दिया कितना 324, आई एम सॉरी, ठीक है 331, ऑप्शन नंबर सी 331 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 331 हो जाएगा आपके सवाल का सही जवाब, ठीक है 18 का स्क्वायर प्लस 7 331 इज द करेक्ट आंसर।
331 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पे. बताइए, चलते हैं अगले सवाल पे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे. अगला क्वेश्चन देखेंगे और जो मैंने अभी बात बोली उस बात को जरूर ध्यान रखना. मैंने अभी आपको क्वेश्चन में एक बात बोली थी, उस बात को जरूर ध्यान रखना. और क्या बात बोली थी वो दोबारा थोड़ा ना बोलूंगी, फिर वो तो क्वेश्चन की हिंट हो जाएगी, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने की हिंट हो जाएगी ना. दोबारा थोड़ी ना बोलना है. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं. 5 से 27 सीधा दिमाग में आया, 5 का 5 गुना किया 25, 2 जोड़ दिया 27. यहां पे 5 गुना किया 35, 2 जोड़ दिया 37, 37 ऑप्शन नंबर सी है ना. ऑप्शन नंबर सी 37 इज द करेक्ट आंसर है ना. सी अंतिमा, सी सही है ना विष्णु, अंतिमा विष्णु राज तिलक, वेरी गुड. 37 है ना, 37 राज तिलक, 37 पिंकी कुमारी सुनीता, सब गलत बोल रहे हैं. क्यों सब गलत बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी आपसे एक चीज बोली थी कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने एक नहीं देखना है. अगर आपको 2 पेयर दे रखे हैं तो दोनों में लॉजिक चेक करो ना बेटा. और यहाँ का 5 गुना करोगे 40, उसमें 7 जोड़ोगे 47 आना चाहिए, यहाँ 39 क्यों आ रहा है? इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए मैंने आपके ठीक उसके बाद एक क्वेश्चन रखा ताकि देखूं तो कि किसको याद है जो मैंने चीज बोली थी कि एक अगर 2 पेयर दिए हो ना क्वेश्चन में तो दोनों का चेक करो. ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें मैम? तो बेटा इसका 4 गुना कर लो, 8 का 4 गुना 32, उसमें 7 जोड़ दिया 39. यहाँ पे भी देख लो, 5 का 4 गुना 20, उसमें 7 जोड़ दिया 27. अब इसका 4 गुना कर लो 28, और 28 में 7 जोड़ दो 35. ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. सी नहीं है. मैंने कहा ना कि सब गलत कर रहे हैं सब. यस, 8 पे लॉजिक लगा के तो देखो, अगर एक जगह सही आ रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरी जगह भी वही लॉजिक सही आ रहा हो. जरूरी नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा था पिछले में आ गया, जरूरी थोड़ी ना सब में आएगा. चलो अगले सवाल पे. इसीलिए कहा था प्रेजेंस ऑफ माइंड वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा जरूरी. 35 होगा सही जवाब. अब देखो सब 35 हैं. चलो बहुत बढ़िया. चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था. नंबर्स बहुत बड़े थे, लॉजिक बहुत छोटा लगेगा, यानी कि जोड़ना घटाना 3 से 4, 8 से 9, 2 से 3, 4 से 5. अरे सिंपल सी बात है, 1111 ऐड किया गया, 1111 ऐड कर लो. ठीक है, 6827 ऑप्शन नंबर डी. शुरू में ही बताया था लॉजिक जब हमारा बहुत बड़ा होगा, सॉरी क्वेश्चन जब हमारा बहुत बड़ा होगा तो लॉजिक हमारा बहुत छोटा होगा. बहुत छोटे में लॉजिक आपके 2 आते हैं, जोड़ रहा है घट, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस. ठीक है, प्लस माइनस हो गया पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक हो गया डिजिटल सम. मान लो प्लस माइनस से यहाँ ना आंसर आता तो हम डिजिटल सम का लॉजिक लगाते. ठीक है, तब हम लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे डिजिटल सम का. क्लियर है? बताओ क्लियर है, 100% क्लियर. चलें अगले सवाल पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं. अगला क्वेश्चन देखेंगे और जवाब देंगे. ध्यान से क्वेश्चन को देख के आंसर करिए. चलिए फटाफट से. चलिए देखिए यहाँ पे 13 से 293 कैसे, फिर वही चीज 17 से 293 कैसा, 17 का स्क्वायर होता है 289, उसमें 4 जोड़ दिया. लेकिन ये लॉजिक हम आगे भी देखेंगे. इसका स्क्वायर 441, 4 जोड़ दिया 445. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा उसके स्क्वायर में 4 जोड़ने पे आएगा 488. तो यहाँ से 4 माइनस कर दो 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का होता है. ऑप्शन नंबर सी 22 का स्क्वायर होता है 484. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. एकदम सही जवाब है, 22 इज द राइट आंसर. चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देख के आंसर करते हैं.
हमें पीछे से आगे आना है तो पीछे से आगे का ही लॉजिक चेक कर लेते हैं. चार तिहाई 12, एक जोड़ दिया 13, इंटू 3 प्लस 1, 5 थ्री जा 15 प्लस 1 16, तो x इंटू 3 प्लस 1 बराबर 19, तो 3x की वैल्यू आ गई 18, x की वैल्यू हो गई 6. ऑप्शन नंबर सी 6 इज द करेक्ट आंसर. 6 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बताओ क्लियर है सबको? 100% सबको बढ़िया से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं. अगला क्वेश्चन देखेंगे, जवाब देंगे. आओ देखें, यहां पे नंबर को देख के समझ में आ गया कि स्क्वायर है. 441 को देख के समझ में आ गया कि 21 का स्क्वायर है. ठीक, समझ में आ गया ना 21 का स्क्वायर है बेटा? ये 21 का स्क्वायर है, ये भी हमें समझ में आ गया कि ये 29 का स्क्वायर है. ये नंबर कैसे आया? हमने इसमें 21 ऐड कर दिया. ठीक, ये 21 का स्क्वायर था, और जब 21 के स्क्वायर में हम 21 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 462. ये हमारा 29 का स्क्वायर है, जब 29 के स्क्वायर में हम 29 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 841. 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, और ये हो गया 870. 870 ऑप्शन नंबर सी 870 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी 870 होगा इस सवाल का सही जवाब. ठीक है, 870 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है सबको? अच्छे से बढ़िया से क्लियर हुआ 870. चलिए अब हम देखेंगे कुछ और अच्छे लेवल के सवालों को. अभी तक हम थोड़ा बेसिक लेवल देख रहे थे, अभी थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे. और अभी हमने पहले एनालॉजी का ये टाइप कंप्लीट कर लिया, फिर सेट वाले टाइप पे आते हैं. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिएगा. इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिए. कराऊंगी तो सारे सवाल आपको, कराऊंगी तो सारे सवाल, बस ये है कि आगे पीछे कर कराऊंगी, क्योंकि टाइप वाइज है, इसमें सब टाइप वाइज सवाल कराऊंगी आपको. कम ऑन, ठीक है, चलो 6819 क्या है? सिंपल सी बात है, अगर हम माइनस का लॉजिक देखेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 100 समथिंग या 100 समथिंग आंसर आना चाहिए, माइनस का लॉजिक लगेगा नहीं, नंबर घट रहा है. डिवाइड, डिवाइड कर सकते हैं? बताओ डिवाइड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं डिवाइड में बताइए, हम डिवाइड में क्या कर सकते हैं? हमने देखा 68 से 19 हम डिवाइड करके जा सकते हैं, हमने इसको भाग दे दिया 4 से. क्यों 4 से भाग दे दिया? ताकि 19 के करीब पहुंच पाए. हम जब इसको 4 से भाग देंगे हम 17 तक आएंगे, 17 में 2 जोड़ के देखो हम 19 जा रहे हैं ना 19. अब इसको 4 से भाग दो, 4 4 16, 4 1 4, उसमें 2 जोड़ दो, कितना 43. ऑप्शन नंबर सी 43 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी 43 हो गया सही जवाब. बताइए सी 43 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? ठीक है, चलिए क्लियर हो गया. क्लियर है ये चीज? 100% सबको क्लियर है. आंसर आ गया आपका 43. एकदम सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था. ऑप्शन नंबर सी 43 इज द करेक्ट आंसर. 41 किस लॉजिक से कर रहे हैं? 41 इंटू 4, तो बेटा 19 इंटू 4 थोड़ी ना होता है. कौन ये कह रहा है भाई इंटू 4? जयंत बच्चे, आप 41 इंटू 4 का लॉजिक क्यों लगा रहे हो? अच्छा आप मतलब प्लस 2 आपने नहीं किया क्या? इन दैट केस यस, 43 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हुआ सबको? हम मिनिमम तक तो आएंगे. जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें 5 से 12 तक जाना है तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, दो जहां तक पहुंच पाओ वहां तो पहुंच ही जाओ, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ना घटाना कर लो. यहां तो यहां पे भी हमने ये चीज किया, हम 17 तक पहुंच सकते हैं 4 से भाग देके, पहुंच गए उसके बाद 2 जोड़ लो, देखो आंसर आ गया 19. वही चीज हमने यहां भी करी, वही चीज हमने यहां भी करी. क्लियर है? 100% क्लियर सबको? क्लियर हुआ सबको ये चीज? चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल इसी टाइप का, इसी टाइप का क्या मतलब आपको, इसी एनालॉजी का.
21, 112. नंबर थोड़े जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं। 7, 7 का 3 गुना एंड 7 इंटू 16, 16 गुना, ठीक। क्या किया? इंटू 3 इंटू 16। यहाँ पर भी सेम चीज देख लो, 17 थ्री जा, और आप कहोगे मैम 17 इंटू 16 करें क्या? 17 इंटू 16 नहीं करेंगे आप, 17 इंटू 16 का क्या मतलब है? आप करके देख लो, 7 8, मतलब आप करके देख लो यार, आ जाएगा 272, करके देखना है तो देख लो, ऐसे 272 आएगा, यूनिट डिजिट से हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब या ये किसका तीन गुना है बेटा? ये तो 12 का तीन गुना है, तो आगे हमें 12 का 16 गुना लिखना होगा, 12 का 16 गुना है ना, 12 का 16 गुना आप करोगे 192 आएगा, 12 का टेबल आता होगा तो तुरंत मल्टीप्लाई कर लोगे, 12 इंटू 16 विल बी 192, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 192, 192 होगा आपके सवाल का सही जवाब। 4 से क्यों डिवाइड किया? रीजन, क्योंकि उसके सबसे करीब पहुंचना था हमें, सबसे पास पहुंचना था 60, अगर वो कैसे आपके दिमाग में आएगा, कैसे दिमाग में आएगा मंजीत? रीजन उसका सिर्फ इतना सा है कि आपको 1 से लेकर जब तक 20 की टेबल, मैं क्यों कहती हूँ 1 से 20 तक की टेबल याद कर लो, इसलिए थोड़ी ना कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जामिनर, नहीं, आपको क्वेश्चन, अगर आपको टेबल याद होती 17 की तो आप तुरंत देख के समझ जाते हैं, तुरंत आप देख के समझ जाते हैं कि यार ये तो 17 का 4 गुना है, तो आप तुरंत इसको डिवाइड करते 4 से, 17 आ गया, आप इसको करीब, आप इसके पास पहुंचना है ना, तब आपने 2 ऐड किया, आपको इसके पास पहुंचना है डिवाइड करके, इसलिए आपने उसको 4 से डिवाइड किया, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब मैं देखूँ इस तरीके का कोई, हाँ है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, देखिए क्वेश्चन, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, आंसर करते हैं। 12 से 60 आसान है जाना, 12 का 5 गुना किया, 12 5 जा 60 किया, अब अगर 16 का 5 गुना करोगे तो 80 आएगा, वो तो है नहीं आंसर, तो अब हमें ये ढूंढना है कि हम 12 को हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हम ये जानते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, लेकिन 5 से क्यों किया, 12 से 5 तक कैसे पहुंचे, 12 का आधा किया 6, माइनस 1 कर दिया 5 आ गया, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज 16 के साथ करो, 16 का आधा करोगे 8, उसमें से 1 घटा दोगे 7, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 112 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके सवाल का सही जवाब। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, सब लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ सब लोग एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी से बता दो कि समझ में आ रहा है, समझ में आया आपको ये टाइप, समझ में आया सबको, तो एक बार जल्दी जल्दी से यस कमेंट करो, आप लोग कमेंट बहुत धीरे करते हो, मैसेजिंग यहीं पे अगर कर लो, कर दो, कह दो कि भैया मैसेजिंग करो, तो बहुत तेजी तेजी सब मैसेजिंग करने लगेंगे, हैं यही कमेंट करने में आपकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है, बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी, सब लोग कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यस 122 हो जाएगा, वो समझ में आ गया मुझे, 112 सॉरी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है इस तरीके के, इस टाइप के? अभी समझ में आ रहा है? एग्जाम टाइम पे पता नहीं, तो फिर एग्जाम टाइम पे बेटा, फिर अब एग्जाम आने ही वाला है, आपको पहले ही ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए थी कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है। यस ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम टाइम में आपका क्या टाइम और क्या है आज डेट? 19, आपके पास बचे हैं कितने दिन यार? 12 दिन बचे हैं आपके, शायद 12 13 दिन एग्जाम के, आप क्या करोगे इतने दिनों में? एग्जाम में इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि शुरू से प्रैक्टिस नहीं करी, जब मैं क्लास में कराती थी तब आपको करना नहीं था, आपसे कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आपको नहीं करना था, अब जब रिवीजन करा रहे हैं तो फिर आपको लग रहा है यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना, अब जब रिवीजन करा रहे हैं तो आपको लगता है तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पूछिए निकिता आपको जो भी क्वेश्चन है,
मैम मुझे आपकी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती है, क्लासेस की नोटिफिकेशन अगर नहीं आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है मुझे, एक चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है आप लोगों को। आप तब तक सवाल पूछो, आपका जो भी सवाल है आप वो सवाल पूछो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। मैं पहले लिख दूँ फिर बताऊँगी आपको। ये चीज़ मुझे है जो आपको बतानी है, ठीक है। चलो एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड यार एग्ज़ाम से हफ्ते भर पहले, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आपको यस, आपको मुझे एक चीज़ बतानी है कि मंडे से आपकी बेटा जितनी भी क्लासेस होती हैं यहाँ पे स्टडी लैब के स्टडी लैब की यूट्यूब चैनल पे, जितनी भी क्लासेस, जो भी क्लासेस आपकी होती हैं, चाहे 10:30 का लेक्चर हो रीजनिंग का, फिर आपका 11:30 पे जो GKGS होता था, ठीक है, या फिर आपका भी 10:30 जो मैथ्स एंड रीजनिंग चल रहा है ऑल्टरनेट, इसके बाद आपका 8:30 जो आपका GS होता है, इंग्लिश होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, वो सारे लेक्चर्स आपके बेसिकली जितने भी लेक्चर्स आपके स्टडी लैब पे होते थे वो सारे लेक्चर्स आपके अब लैब पर होंगे, ठीक है, लैब पर होंगे। अगर लैब क्या है क्या नहीं है इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आइए उसका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। हमारा स्टडी लैब एक यूट्यूब चैनल है, दूसरा यूट्यूब चैनल है लैब, ठीक है। तो स्टडी लैब की जितनी भी क्लासेस अब हो रही हैं हमारी, वो सारे हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल लैब पर होंगी। अब लैब का फुल फॉर्म है लैब लर्न विद अमन एंड बरखा, ये आपका फुल फॉर्म है इसका। यूट्यूब चैनल का लिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगी एडिटर से कि एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दें, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स ने वो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मंडे से ये ना कहो आप कि मैम क्लासेस बंद हो गई क्या, ये वो कुछ भी नहीं। जो भी क्लासेस हैं आपकी वो सारी क्लासेस आपकी लैब पर होंगी, इसलिए मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार लैब का जो लिंक है वो डाल दें कॉमेंट सेक्शन में एंड उसको पिन कर दें। लैब हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आपकी सारी क्लासेस मतलब मंडे से आपकी जो मेरी क्लास होती है, मंडे से रीजनिंग की जो क्लास होती है 10:30 वो लैब पे होगी, ट्यूसडे को फिर आपकी मैथ्स की लैब पे, एंड सेम शेड्यूल आपका जो स्टडी लैब पे फॉलो होता था वो लैब पर फॉलो किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है, सेम शेड्यूल आपका। जी जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, ये आपको यूट्यूब का चैनल का लिंक दे दिया है कमेंट सेक्शन में, उस पर क्लिक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सारी क्लासेस अब से लैब पर होंगी। उस चैनल पे आपको मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे द हिंदू, 8:30 बजे करंट अफेयर्स का लेक्चर, 10:30 बजे रीजनिंग, फिर उसके बाद 10:30 बजे ऑल्टरनेट डेज पे मैथ्स होगा, फिर उसके बाद आपका शाम के टाइम में रात में मतलब 8:30 बजे के करीब आपका GK का लेक्चर एंड इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, तो सब लोग एक बार सबसे पहले जाके लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी सी यू गाइस अगेन टुमारो 10:30 बजे, कल आपका मैथ्स का लेक्चर होगा, फिर हम मुलाकात होगी हमारी फिर से फ्राइडे वाले दिन @10:30 AM। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।